السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको करने से आपको पांच बड़े बड़े फायदे होंगे। नंबर एक, इस अमल को करने वाले बंदे पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल मुसलसल चलता रहता है। यूँ समझ लें जिस तरह अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है उसी तरह इस बंदे पर भी अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लगेगी। नंबर दो, अल्लाह ताला उस बंदे के हर काम में बरकत वाला मामला अता फरमा देते हैं। आज हम अल्लाह से ज्यादती की तो दुआ मांगते हैं लेकिन बरकत की दुआ नहीं मांगते। बरकत बहुत आला चीज है, थोड़ी सी चीज के अंदर बरकत अल्लाह ताला डाल देते हैं तो थोड़ी चीज लाखों आदमी के लिए काफी हो जाती है। थोड़ा सा रुपया पैसा उसके पास होता है लेकिन उसका महीना बिल्कुल सुकून से गुजर जाता है कि कोई परेशानी उसको नहीं आती। बरकत हर चीज में, उसके इल्म में, उसके अमल में, उसकी जिंदगी में, उसके कारोबार में, उसके तमाम कामों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देते हैं। यह बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। नंबर तीन, जिस रिस्क के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, अपने वतन को छोड़ देते हैं, दूर सब मुल्कों का सफर करते हैं, लेकिन इस अमल के करने वाले के लिए अल्लाह ताला रिस्क की तंगी को दूर कर देंगे। अल्लाह आसानी वाला रिस्क उसे अता फरमा देते हैं। नंबर चार, अल्लाह ताला उसको सुकून कल्ब अता फरमा देते हैं। सुकून कल्ब यानी दिल का इत्मीनान अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। नंबर पांच, सबसे बड़ा फायदा कि उसकी औलाद फरमा बरदार हो जाती है। अब मैं आपको वो अमल बता देता हूँ जिसके ये पांच बड़े बड़े फायदे हैं। यह अमल आपको या तो फजर की नमाज के बाद या फिर ईशा की नमाज के बाद करना है, या फिर आप चाहें तो दोनों नमाजों के बाद आप इस अमल को कर सकते हो। इस अमल को बावजू किबला रुख बैठकर करना है, फिर इसका फायदा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इस अमल की एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इसको पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वदूदु सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही इन्नक रहीमुल वदूद। ये आपको ये अमल है, ये दुआ है जो आपको पढ़ना है। एक बार और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। या वदूदु सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही इन्नक रहीमुल वदूद। या आप स्क्रीन पर आपको दिख रही है दुआ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। इनको 100 मरतबा फजर और ईशा की नमाज के बाद में आपको पढ़ना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन कलिमात से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। और हमने ये चैनल नया नया स्टार्ट किया है तो आप सभी हमारा साथ दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।